एक्स आई दे रखा है, इसका संबंध याद करना है, स्क्वायर से कर लो पता ही, एक्स स्क्वायर कितना होता है, 25, 36, 64, 100, 144, 225, 256 और 19 का होता है 361। फिर है वाई स्क्वायर भी कर लो, 5 का 25, 10 का 100, 20 का 400, 15 का 225, 40 का 1600, 20 का 400, 40 का 1600, 39 का 1521। फिर एक्स वाई कर लो, 55, 60, 8 दुनी 16, 15 एकम 15, 12 चौक 48, 15 दुना 30, 16 चौक 64, 19 दुगुंचल 741, जोड़ कर लो, 25 प्लस 36 प्लस 44 क्या, 25 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 44 प्लस 225 प्लस 256 प्लस 361, 1211, 25 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 2000 प्लस 1600 प्लस 1521 ये होता है 5871, 25 प्लस 60 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 480 प्लस 300 प्लस 640 प्लस 741 माइनस 74 प्लस 741 2556। अब हार यस तक है सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंदर सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई है 2556 इंटू एन दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिग्मा एक्स दे रखा है 91 इंटू 192। सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है आपके 1211 इंटू 8 माइनस 91 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब 5871 इंटू एन है 8 और आपके 192 का होल स्क्वायर। 2556 को गुणा करेंगे 8 से तो एम प्लस और 91 इंटू 192 ये एम माइनस और एम आर सी करेंगे तो 3249। 1211 इंटू 8 तो एम प्लस और 91 इंटू 91 है माइनस एम आर सी हो गया 1407। 5871 इंटू 8 ये तो एम प्लस 192 इंटू 192 माइनस एम आर सी हो गई है 11247। 3249 बटा 1407 को गुणा करेंगे 11247 उत्तर आता उसका निकालेंगे स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 3978.0055651। 3249 भाजक 3978.0055651 यारा 0.816 सॉरी पता है 8167 या 66 समझने वाला यहाँ तक लोग तो ये आ जाएगा 8166 भी आ जाएगा। अब है आपके एक्स वाई जेड सही याद कर लो, एक्स स्क्वायर कितना होता है 5 का 25, 10 का 100, 15 का 225, 20 का स्क्वायर 425, 625, 30 का 900, 35 का 1225, 40 का 1600। अब करेंगे वाई स्क्वायर 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 5 का 25, 7 का 49, 10 का 100, 9 का 81, 12 का 144। अब करेंगे एक्स वाई, एक्स वाई हो जाएगा आपके 0, 10 दुना 20, 5 चौक 60, 20 पंजे 100, 25 इंटू 60, 175, 335 इंटू 9, 315 होते हैं सही, और 40 मतलब 480, ये जोड़ कर लो 25 प्लस 325
प्लस 1025 प्लस 9221 2125 प्लस 1600 ये होता है 5100। 20 प्लस 25 प्लस 149 प्लस 81 प्लस 144 ये हो गया 419। 180 सीधे प्लस 475 प्लस ये हो गया 795 ये हो गया 1450। आर क्या करना है सूत्र हो जाएगा आपके सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब लगाएंगे अंडरवुड सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडरवुड सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई दे रखा है आपके 1450 इंटू एन कितना दे रखा है आपके एन है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। सिग्मा एक्स दे रखा है आपके 180 इंटू 50 5100 इंटू एन कितना है 8 माइनस 180 का होल स्क्वायर और यहाँ होता है आपके 1450 इंटू 8 माइनस 49 का होल स्क्वायर। 1450 को गुणा करेंगे 8 से ये तो एम प्लस और 180 इंटू 49 एम माइनस एम आ गई है 2780। 5100 को गुणा करेंगे 8 से एम प्लस 180 इंटू 180 एम माइनस एम आ सी ये हो जाएगी 8400। 1450 इंटू 8 ये तो एम प्लस और 49 इंटू 49 एम माइनस एम आर सी हो जाएगी 9199 ये हो जाएगा 2780। 1450 इंटू 8 है एम प्लस और 49 इंटू 49 है एम माइनस एम आर सी 9199 सही। 1450 इंटू 8 एम प्लस 180 इंटू 50 है माइनस 8400 इंटू 9 199 इतना क्या करा सही है 8400 इंटू 9 199 उसका निकालेंगे अंडरवुड 8790.426 2780 भाजक 8790.426 0.31 भाग डाल दो 419 ही है मैंने यहाँ इतनी सारी दी मैं कितने ज्यादा किया है हर बार ये दो ही गलती ये लेना 419 मैंने वो ले लिया 419 इंटू 8 एम प्लस 50 इंटू 50 एम माइनस एम आर सी देखिए 951 ही जाए 951 इंटू 8400 जो आता है दिया जाएगा 2826.37577 2780 भाजक 2826.37571 0.98 3 6 आ रहा है।